अगर दो बार हार हुई होगी तराइए से मैं संन्यास। आप लोग खुद गवाह बनिएगा एक ना एक रोज कि मेरे साथ घटना घटेगी और जनता फैसला कर देगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन हाजी है कौन नमाजी है। वो मेरा दोस्त था हकीकुल, उसके हत्या करके आज जो मारने वाला को जब हम लोगों ने पकड़ लिया तो पुलिस को मेल मिलाकर इन लोगों ने मेरे दोस्त का हत्या हुआ जो इन लोगों के खिलाफ जब आवाज उठाता था तो उसको इन लोगों ने पुलिस को मिलाकर गधा पर घुमाया था। पूरी जनता जानती है अगर झूठ बोलेंगे राजनीति से संन्यास या जो आप लोग कहेंगे, उनको गधा पर घुमाया गया पीछे पीछे पुलिस और ये लोग उसका सर छिलो जीते जी उसको जिंदा ही इन लोगों ने मार दिया। मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स पुरानी किला मोड़ सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त बिहार न्यूज की टीम पहुंची हुई है हसनपुरा प्रखंड के शेखपुरा पंचायत में, जहां से हामिद राजा खान उर्फ डब्लू खान जो राजद के बड़े नेता माने जाते हैं उनकी पत्नी ने चुनाव जीता था। चुनाव जीतने के बाद से हामिद राजा खान उर्फ डब्लू खान जो राजद के कद्दावर नेता है उनका एक स्टेटमेंट आता है कि उन्हें जान का खतरा है और जो विपक्षी है उनके द्वारा इनकी जान को खतरा है, कभी भी इनके साथ घटना घटित हो सकती है। उसके बाद विपक्षी का एक बयान आता है, बहुत सारे आरोप लगते हैं और उन सारे आरोपों पर बात करने के लिए इस वक्त हम आए हैं हामिद राजा खान और डब्लू खान के पास। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल को भी स्वागत है। पहला सवाल है, आरोप लगा है कि आप जो चुनाव जीते हैं जनता को गुमराह कर चुनाव जीते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि एक बार चुनाव कोई गुमराह करके किसी को या धोखा देकर जीत सकता है, तीन बार कैसे जीत सकता है? दो बार आपकी भी तो हार हुई है। अगर दो बार हार हुई होगी तो राजनीति से मैं संन्यास। एक स्टेटमेंट आया है, शौकत अली नाम है उनके शमशाद, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि दो बार मैंने उनको चुनाव हराया। आप दिखा दीजिए कि दो बार हम चुनाव कोई अगर हारे हों, दो बार चुनाव अगर हारे हैं और मुखिया का जनता ने मुझे अगर हराया है तो मुखिया पद से मेरी पत्नी भी इस्तीफा दे देगी। चलिए, आरोप लग रहा है कि चुनाव को तो गुमराह करके जीत गए, प्रशासन को भी आप गुमराह कर रहे हैं कि जान का खतरा है और सुरक्षा लेने के लिए सुरक्षा गार्ड मिलेगा तो आपकी राजनीति चमकेगी, उसके लिए आप प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं। आप लोग खुद गवाह बनिएगा एक ना एक रोज कि मेरे साथ घटना घटेगी, ये लोग घटाएंगे क्योंकि ये जालिम लोग हैं। आज से नहीं, शमशाद के बाप मियाजान खान 1968 से इस गांव पर जुलुम कर रहे हैं, इस इलाके पर जुलुम कर रहे हैं। शमशाद खान जो कह रहे हैं कि हम हाजी और नमाजी हैं, तस्बीह लेके घूमते हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत दुनिया में हम भी हाजी और नमाजी देखे हैं, मेरे बाप भी एक नमाजी हैं, मैं उनको भी देखता हूँ, मेरे चाचा भी नमाजी हैं कि मैंने बचपन से कभी नहीं देखा कि मेरे बाप की नमाज शायद कभी कजा हुई हो। पूरे गाँव इलाका के सामने खड़ा करा दीजिए मेरे पिता को और बबलू करा दे अपने बाप शमशाद खान को, करवा दे खड़ा। आज जनता फैसला कर देगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन हाजी है कौन नमाजी है। अब जालिम की बात कर रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि मेरे ऊपर तो 2 FIR दर्ज हुई है जबकि आपके ऊपर 2 दर्ज ज्यादा है। यही तो बात है, यही तो खूबी है उन लोगों में कि उन लोगों पर मेरे पीछे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हाल फिलहाल में इन लोगों के साथ घटना हुई है, ISP साहब स्वयं जान रहे हैं, थाना प्रभारी स्वयं जान रहे हैं, लेकिन FIR नहीं होने दिया गया। FIR कभी भी इतने पकड़ वाले लोग हैं जितना पकड़ इन लोग अपराधियों के पास, बड़े बड़े अपराधियों के पास उतना ही प्रशासन के पास, लेकिन वो किसी हाल में अपने बच्चों पर अपने ऊपर जब भी FIR होगा तो जितना भी ताकत लगाना हो जितना रुपया पैसा खर्च करना हो ये वो कर देंगे, अपने को बच जाएंगे। 14 लाइसेंसी आर्म्स गोली का अपराधियों को सप्लाई, सरकार देखे इनके लाइसेंस पर कितना गोली उठता है साल का, कोई लिमिटेशन होगा नहीं। एक मेरे पास सिर्फ राइफल था, सीके अनिल DM के यहाँ गुप्त खत लिख कर गलत कन्विंस कर हमको कहा जा रहा है कि हम पुलिस के दलाल हैं। आज तक कोई माई का लाल नहीं कर सकता कि मैंने किसी चीज में दलाली किया हो। आरोप लगा रहे हैं कि मोतीलाल मुखिया से जाके पूछिए जब थाना में बवाल हुआ था संपूर्ण थाना में दलाली को लेकर। मोतीलाल कैसा है सबको पता है, ये शमशाद जो है ये और वो दोनों एक हुआ है आजकल। तो मोतीलाल क्या है
उसका कितना मदद किए, कहां से कहां गया है, उसका ईमान जानता होगा। अरे आ गया कि मोतीलाल से इसमें क्या मतलब है, मतलब हमको, हम पर आरोप संसाद ने लगाया है, उसका बेटा बबलू ने लगाया है। तो आप हमसे नहीं, आप इस तरह नहीं, कभी आके आप लोग खुद पता कर लीजिए कि उनकी समांतर सरकार यहाँ चलती थी, यहाँ की जनता ने उसको खत्म किया। मैं भी आज हूँ, आज जो बोल रहा हूँ जनता के भरोसे बोल रहा हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे ताकत दिया है, जनता ने मुझे इसीलिए वोट दिया है मेरे पत्नी को, कि इन जालिमों का जुलूम आप खत्म कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि आप एक छत्र राज करना चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोई चुनाव खड़ा ना हो, और उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने चुनाव आपके खिलाफ लड़ा, उसकी सजा उनको मिल रही है। देखिए, जहाँ तक एक छत्र राज की बात है, एक यहाँ थाना प्रभारी था बलेश्वर प्रसाद, 17 मुकदमा इन लोगों ने झूठा हम पर कराया, बगैर एविडेंस का, बगैर इंजुरी का, सब 300 से बुन। और कोर्ट ने जितना लिस्ट लेकर बाप बेटा घूम रहा है एक्यूटल, हम पर कोई मुकदमा ही नहीं है। एक मुकदमा है फर्जी मुकदमा जो लगाया गया आर्म्स एक्ट का, सारा लोग जानता है कि वो मुकदमा फर्जी था जो चल रहा है। बाकी है लॉकडाउन या 107 वगैरह, सब मुकदमा कभी कभी मुकदमा ही नहीं है। और 302 का मामला दर्ज है हबीबुल हत्याकांड में। ये बता दो, मेरा दोस्त था हकीकुल, उसके हत्या करके आज जो मारने वाला को जब हम लोगों ने पकड़ लिया, तो पुलिस को मेल मिलाकर इन लोगों ने मेरे दोस्त का हत्या हुआ, जो इन लोगों के खिलाफ जब आवाज़ उठाता था, तो उसको इन लोगों ने पुलिस को मिलाकर गधा पर घुमाया था। पूरी जनता जानती है, अगर झूठ बोलेंगे राजनीति से संन्यास या जो आप लोग कहेंगे, उनको गधा पर घुमाया गया, पीछे पीछे पुलिस और ये लोग, उसका सर छिलो जीते जी उसको जिंदा ही इन लोगों ने मार दिया था। जब उससे भी इनका दिल नहीं भरा तो उसका हत्या इन लोगों ने करा दिया। उसका बेटा ये जो बबलू है, मेन इसी का षड्यंत्र था, एक बार एसटीएफ से उठवाने में भी इसका हाथ था। जो ये दिखा रहा है लोग पेपर, एक पेपर दिखा रहा है लोग जिसमें सीबीआई की छापेमारी, जिला बदायूं, जो मेरे दोस्त का हत्या हुआ, तो जो पकड़ा गया मारने वाला, उन लोग का नाम अब बकने वाला था कि पुलिस ने उसको चुप करा दिया, और बाद में मालूम हो रहा है कि 120 भी ना हमको घुसा दिया गया। इस तरह के सातिर लोग हैं, इस तरह का ये 420 लोग हैं, हमको घुसा दिया गया। चलिए, एक पेपर दिखा रहा है लोग, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, कई सारे पेपर कटिंग्स रखे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि सीबीआई की छापेमारी आपके घर पे हुई है, सीसीए एक्ट लगा हुआ है, जिला बदर आपको किया गया है, दंगा कराना आपका फितरत है, पेशेवर अपराधी है, जातिगत दंगा जो हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है वो आप पे आरोप लग रहा है। ये नया कोई बात नहीं है, शमशाद के बाप भी कराते थे, शमशाद भी कराते हैं, बेटा भी कराता है। यहाँ ये लोग क्या करते थे, जिनके घर के पीछे मटिया है, कई बार इस शमशाद ने उसमें मीट फेंकवा दिया, फेंकवा के दंगा करा, नाम किसका पड़ेगा, पुलिस तो भाई उसका सुनता है, शमशाद का आएगा, पुलिस को समझा देगा कि बबलू खनवा कराया होगा। वैसे ही थानादार रहता है, लोग सेट हो जाएगा, लोग पहुँच वाला लोग है ये है। और नाम जितना मुस्लिम बच्चे हैं, हिंदू के बच्चे को भी दोनों तरफ नाम डलवा देगा, आप वोटर लिस्ट से नाम निकालेगा, सब जो खिलाफ में मन इसके होगा, जो इसके जुलूम के खिलाफ बोलेगा उसको केस में डलवा देगा। लेकिन आरोप इन लोगों का ये है कि इन लोगों की प्रॉपर्टी है, जमीन है, जिस पे आपकी, इन लोगों का कहना है कि आपकी गंदी नजर है और आप उसको हड़पना चाहते हैं, और उसको लेकर आपके अंदर जलन है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर नदी, अगर मजरुआ आम रास्ता, अगर ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी है, यही तो लड़ाई है मेरी, कि आप 200 बीघा जो जमीन काटे हैं गरीबों का, इस गांव के लोगों का, कहाँ पे काटा गया, चेमनी के अगल बगल जितना जमीन कटा है उसको भरवा दीजिए, नदी का बंदोबस्ती रद्द हो, ये सामने मदरसा है, भिंडा का बंदोबस्ती रद्द हो, और गैर मजरुआ आम, जैसे ये मदरसा है, देखिए पीछे घुमाइए, ये मदरसा है, मदरसा है, चंदा का पैसा से बना है, इस जमीन को बंदोबस्त करा लिया गया है। सामने जो देख रहे हैं वो भूसा रखता है आदमी शमशाद खान, इसको क्या किया, बंदोबस्त करा लिया है। फिर कहाँ है अधिकारी लोग, सब क्यों शिकायत, अधिकारी लोग से करते करते हम लोग थक गए हैं, कौन अधिकारी इसके खिलाफ बोलेगा, इसका रिश्तेदार लोग अफसर है, ये लोग, यही तो मामला है कि हम लोग पर FIR होते गया, आई लोग बचते गया, ये लोग बहुत चलाक किस्म के लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए ना, कोई हाजी या नमाजी नदी बंदोबस्त कराएगा, भिंडा बंदोबस्त कराएगा, गैर मजरुआ आम जमीन,
किसी को पावर नहीं है बंदोबस्त करने का। लेकिन कब तक चलेगा आप दोनों के बीच जो ये रंजिश चल रही है चुनावी लड़ाई? देखिए रंजिश क्या है, जुल्म के खिलाफ मेरा आवाज बंद नहीं होगा। ये जुल्म बंद करेंगे मेरी आवाज बंद हो जाएगी। ये नदी को मत कहे कि मेरी नदी है, हमने रसीद कटवाया है, गैर मजरूआम रास्ता जो है इसको छोड़ दें। ये मदरसा इसमें हमने पढ़ा है, अल्लाह का घर भी सामने है मस्जिद, इससे बड़ा तो कोई चीज हम लोग में नहीं होता है। हम लोग इसी मदरसा में पढ़े हैं। मेरा गांव का लगभग अभी बूढ़े लोगों से पूछिए कि आप कहाँ पढ़े हैं, इसको बंदोबस्त करा लिया गया है। ये सब इन चीजों को ये छोड़े, जुल्म करना बंद करें, नाक में किसी को मारे पीटे मत। असहाय लोगों का, मजबूर लोगों का, यतीम लोगों का, गरीब के बच्चों को आप केस में मत फंसाइए। आप दंगा फसाद में सारे आरोप आप पे लगते हैं कि दंगा करवा देते, बिल्कुल सारे आरोप आप पे लगते हैं कि दंगा करवा देते हैं और अपना नाम निकाल लेते हैं, बाकी लोगों को फंसा देते हैं। छोड़िए ना, ये सब यहाँ की ये पब्लिक है जो सब जानती है। हैट्रिक तीसरा बार, अगर वैसा हम होते तो तीन बार नहीं जीतते चुनाव मुखिया का। मीडिया की छापेमारी वाला क्या मामला है? सीबीआई का छापेमारी आप देखे नहीं होंगे कि डब्लू खान गिरफ्तार है डब्लू का घर पर। आप ये भी पढ़े होंगे कि डब्लू खान की गिरफ्तार, टीवी न्यूज में भी दे दिया सब। इस सबका इतना पकड़ है, टीवी में हम देख रहे हैं अपने ही टीवी में कि डब्लू खान गिरफ्तार, पूछताछ जारी, हम घर पर हैं। मैंने कैसा मैंने कहा करे टीवी में दे दिया, वो कहते हैं कि मीडिया मीडिया आप खेलते हैं। मीडिया मीडिया हम कौन सी खेलेंगे? आप मीडिया के लोग सुनते हैं, पूछने आते हैं तो हमको जवाब देना ही पड़ेगा। खास करके मेरा आवाज बंद तभी होगा जब ये लोग जुल्म करना बंद करेंगे। रहा मेरे हत्या का सवाल, हत्या ही करवा दे, हमको उसे फिक्र नहीं, हम कह रहे सैकड़ों डब्ल्यू पैदा हो जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अपने ऊपर हमला करवा लेगा, हमको फंसा देगा। 1900 उनका बेटा जो है बबलू दिखा रहा है, 1988 से मेरा क्राइम का लिस्ट दिखा रहा है। जब सुनिए ना, 1988 चाहे 1989 हम लोग उसी मेरा घर उसका घर समझिए, अंदर से भी एक था पीछे से भी एक था, पहले बाउंड्री बाद में हुआ हमारा, उसका कई बार हम लोग का झड़प भी हुआ है। झड़प भी हुआ है, एक दरोगा था बलेश्वर प्रसाद, उससे बहुत सारा मुकदमा इन्होंने जुटाम पर कराया। पेपर में आप पेपरबाजी में, अच्छा एक बात बताइए ना, सच्चाई होना चाहिए ना। पेपर में तो कोई किसी के खिलाफ निकलवा सकता है, पेपर क्या है, विज्ञापन दीजिए कुछ भी निकलवा लीजिए, चार चार लाख का विज्ञापन दे दीजिए कुछ भी निकाल देगा। पेपर का क्या लिए हम, उसमें विश्वास नहीं करते। लेकिन आप लगातार, हम विश्वास करते हैं इस तरह, जहाँ जनता हो डट कर बोले, घर में लुका कर बोलना ये कोई बात नहीं हुआ, सामने आइए डिबेट कीजिए, फील्ड में आइए, आइए फ्रंट पर। क्या लगता है आगे या जनता से पूछिए आप, चलकर देखिए, चले जाइए आप मेरा पूरा पंचायत में कहा, अगर दूसरे पंचायत दूसरी में जाइए आप पूछिए कि डब्लू खान कैसा आदमी है, शमशाद खान कैसा आदमी है, उसका बेटा बबलू है वो कैसा आदमी है, जनता आपको साफ सुथरा बता देगी कि कौन कैसा है। एक सवाल तो ये है कि एक दो केस में फंसाया जा सकता है, दो दर्जन से अधिक मामले में अगर एक केस में फंसा सकते हैं, क्लीन चिट, दो दर्जन मुकदमा कम होता है भाई, कहाँ से आप लोग सुन रहे हैं उसका बाप। पेपर की कटिंग दिखा रहे हैं, कटिंग क्या सीबीआई ने हम पर FIR दर्ज किया है? सीबीआई ने मुझसे पूछताछ जरूर किया था, मुझे बाइज्जत बरी किया था, मुझे क्लीन चिट किया था। सीबीआई का ऑफिसर मिस्टर सुनील कुमार रावत ने हमसे बताया क्या कि शमशाद खान कौन है, क्यों आपके पीछे पड़ा है? आसिफ अली खान शौकत का बेटा जो दलाली करता है जमीन के सिरान में, उसको देखिए बबलू कह रहा है कि मेरा एक चचा है जो सामाजिक कार्य करता है, उसे जाकर सिरान में पूछ लीजिए कि भाई तुम हाजी हो, तुम भी नमाजी हो, सामाजिक काम करते हो, आजकल सिरान में क्या हो रहा है, कौन सा आमदनी है, आपको पता चल जाएगा। उनके एक दामाद पे भी आपने आरोप लगाया था, डॉक्टर हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वो प्रोफेशनली डॉक्टर है, अपना काम से मतलब है, तो फिर उन पे देखिए दामाद, देखिए वो तो दामाद पर हम तो इसलिए कहते हैं कि दामाद जो गलत कन्विंस करते हैं पुलिस अफसरों को, उन्हीं के थ्रू उन्हें कराता है, अपने भी करेगा उनसे भी कराएगा। देखिए किसी भी झूठ बात को जब सैकड़ों लोग कहने लगे कि सच है सच है सच है, तो सच हो ही जाएगा वो चीज। तो ये लोग ऐसा षड्यंत्र रचता है कि डॉक्टर साहब तुम्हें कहो हमू कहे हमारे बेटो कही हमारे को SDO साहब रिश्तेदार बहन वो कहीं भागलपुर में, सारा लोग जब हम लोग कहेंगे तो अफसर मान जाएगा। इस तरह का चीटिंग लोग करता है, पेशेवर लोग है। इस बबलू का दादा खुद पेशेवर आदमी मियाजान खान, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि आपकी हत्या की साजिश कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर उनके परिवार के साथ कुछ होता है तो उसके लिए डब्लू खान जिम्मेदार। मेरे परिवार के साथ मेरे साथ कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार है? हमने लिखित दे दिया है,
लिखित विद्या केस का जो बात कर रहे हैं ये क्विटल है, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत किया है, जो भी झूठा इन लोगों ने केस कराया माननीय न्यायालय ने सारे केसों में सारे केसों। अरे भाई हम ऐसे थोड़े है बगैर जाके कहेगा सब डब्लू बम बिक दिया, केस तो रोकर देता है, कोर्ट में जाता है चलता नहीं है, ना कोई इंजरी ना कोई प्रूफ ना कोई एविडेंस, तो कौन केस चलेगा, सब केस में हमारी रिहाई हो चुकी है, सब केस एक्विटल हो चुका है। किस चक्कर में जा अपील करेंगे, क्या प्रशासन से क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे कि हमको सुरक्षा दिया जाए, हम बार बार मांग करेंगे, नहीं तो मेरा इलो हत्या कराएगा, इलो मानेगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले हकीकुल का हत्या इन लोगों ने कराया। आप जो घर देख रहे हैं बगल में कैमरा घुमा के देखिए, आप आजम अली खान जो इस वकील साहब के दोस्त थे भोली भाई के, उनका भी हत्या इन लोगों ने करा दिया, फंसा दिया भांत लोगों को 17 जमीन के लिए। क्या हुआ था बताइए, क्या हुआ था? वो सीधे साधे आदमी से हम लोगों ने यही सुना कि उनकी हत्या हो गई। कौन थे, क्या नाम था, किसने हत्या कराई? आजम अली खान नाम था उनका। क्यों हत्या हुआ था कुछ पता चला? हत्या प्रीवियस एनिमिटी को लेकर हुआ था और जमीन का विवाद जी, उसी विवाद के चलते उनकी हत्या हुई और उस महीनों से हम लोग जेल गए बेकसूर लोग। जी जी जी, ये तो करा देगा कभी भी हत्या किसी का करा देगा ही सब, और किसी को फंसा देगा, क्या कहिएगा? तो क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हम मांग करेंगे कि अगर यहाँ कोई भी मामला होता है तो किसी भी एजेंसी से, किसी भी निष्पक्ष पदाधिकारी से, बाहर के अधिकारी से जांच कराया जाए, और डीएम साहब एसपी साहब से मेरा आग्रह होगा कि वो लोग स्वयं आए और चल चला जाए इस गाँव में और इनके चिमनी पर और वहाँ का थोड़ा देख लिया जाए कि क्या सीन है, बस यही हम आग्रह करेंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं क्या बताइए? ना हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, और जो डब्लू खान बोल रहे हैं उसका हम लोग हिमायत करते हैं। क्यों हिमायत करते हैं कि डब्लू खान एक बहुत पीसफुल आदमी है और रियली में ये रियली में यही समाज सेवक हैं। पीसफुल आदमी कह रहे हैं, पीसफुल अपराधी का ना ना, वो तो कहेंगे, हम तो जरूर कहें, आपसे अगर हमको दुश्मनी है कुछ इंटरनल तो हम तो आपको हर किसी के कहेंगे, आपके बाप दादा को भी कहेंगे, आपको भी कहेंगे, सबको कहेंगे हम, लेकिन समाज सेवा करते हैं, अच्छे इंसान है और ना 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 बेशक बेशक दंगाई नहीं है, दंगा इंसान नहीं, ना 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 इनके अंदर तो हिंदू मुसलमान की कोई भावना ही नहीं है, इस किस्म के कोई बात नहीं। वो तो लगाने वाला तो लगाई गई, क्योंकि उसका जबान में आप ताला लगा के नहीं रखे हैं, उसका जबान खुला हुआ है, वो अंधेरी कोठरी में बैठ करके दरवाजा सब बंद करके लाइट जला के वो कुछ भी कह सकता है, उसमें उसका पाबंदी नहीं है। ये बेशक अच्छे आदमी है, अच्छे नहीं रहते, आप इतना ही बताइए, इतना ही बताइए, 4,445 वोट में डब्लू खान को 1,841 वोट मिला है, उनको सिर्फ 843। कंपेयर कीजिएगा आप, अगर ये आतंकवादी, अगर ये के इनको बदनाम किया है। ना ना, वो तो बेशक साजिश है, वो बोलने की जरूरत नहीं, मतलब इनके इनको पॉपुलरिटी देख करके, इनका ईमानदारी देख करके, इनको माने लोगों में पॉपुलर होते हुए देख करके, समाज सेवा, लड़कियों के शादी ब्याह विवाह, औरतों को खर्च देना कोटा से, चाहे अपने जरिए मदद करना, लड़की के शादी ब्याह में खर्च करना, ये सब इनसे बर्दाश्त नहीं होते, क्योंकि इन लोगों के आज तक ये दरवाजे पर कभी जिंदगी में भिख मांगा नहीं गया। तमाम तरह के आरोप और प्रारोप लग रहे हैं शेख पूरा पंचायत में, और आप देख सकते हैं डब्लू खान भी यहाँ बैठे हुए, काफी संख्या में लोग हैं उनके साथ है, और तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। साथ ही डब्लू खान एक बात और कुछ कहना चाह रहे हैं, डब्लू खान बताइए। शमशाद के बेटा या शमशाद से हम बोलेंगे, बबलू से या उसके बाप से वो हम बोलेंगे कि ये लोग जनता के बीच प्रशासन के देख रेख में, जनता रहे, हम रहे, यहाँ की जनता रहे, शमशाद रहे, उनका बेटा रहे, डिबेट हो जाए ताकि प्रशासन सारे लोगों को बातों को सुन ले और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चलिए, डब्लू खान जी का साफ तौर पे आरोप है कि कभी भी इनकी हत्या हो सकती है और झूठे केस में फंसाया जा सकता है। इन्होंने सिवान जिला प्रशासन से ये मांग की है कि इनकी सुरक्षा दी है, साथ ही यहाँ पे अगर कोई भी केस होता है उसको अच्छे तरीके से जाँच कराई जाए ताकि किसी भी निर्दोष को फंसाया ना जा सके। सहयोगी आशीष के साथ सचिन कुमार, बिहारी एक्सप्रेस, सिवान। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।